नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिलाइटफुल व्यंजन में। खस्ता कचौड़ियाँ तो आप सभी ने बहुत खाई होंगी, पर क्या कभी भरवा खस्ता खाया है? तो आज हम बनाते हैं भरवा खस्ता। तो चलिए शुरू करें। इसके लिए लेंगे सबसे पहले एक बड़ा बाउल। इसमें अब हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। हमने इस कटोरी से मेजरमेंट किया है, आप अपनी सुविधा अनुसार कटोरी का यूज कर सकते हैं। अब हम इसी कटोरी से 1/2 कटोरी बेसन लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। एक चौथाई चम्मच हींग। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे, फिर डालेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और इन सबको हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इतना हम इसको मिलाएंगे कि ये आटा बंधने लगे। देखिए, अब ये आटा इस तरह से बंध रहा है। अब पानी डालकर आटा कड़ा सानेंगे। अब ये हमारा आटा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आटा अब कड़ा सना है। आधे घंटे के लिए आटे को ढककर रख देंगे। चलिए अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और 150 ग्राम पनीर लेंगे, जो कि कद्दूकस किया हुआ है। अब हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे।
इस प्याज को हम बारीक काट लेंगे और 1 चम्मच तेल में भूज लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्टफिंग में प्याज है इसलिए वो पानी छोड़ देगा, इसलिए हम नमक को लास्ट में ऐड करेंगे। अब इन सभी आटे की हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम लोइयां बनाएंगे और ये हमारी लोइयां रेडी हैं। हम अपने स्टफिंग की भी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमारे स्टफिंग के बॉल्स रेडी हैं। हम इस तरह से अपने आटे में स्टफिंग को फिल करेंगे। अब हम इन्हें अपने हाथों की मदद से कचौड़ी की तरह बना लेंगे। हम इसे इतना थिक रखेंगे।
इसी तरह से हम सारे खस्ता बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे खस्ते रेडी हैं। ये अब हम कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम तेल डालेंगे। और तेल को हम हल्का गरम करेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये देखिए, हमारे भरवा खस्ते पक चुके हैं और ये देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये हमारे भरवा खस्ते अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे भरवा खस्ते खाने के लिए तैयार हो चुके हैं।
ये हमारे भरवे खस्ते बहुत स्वादिष्ट और खस्ते बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।